बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामिन। आज 18 जनवरी 2021 और पीर का दिन मंडे 18 जनवरी। पहले ही ये रात को मैंने वॉइस मैसेज इसको रात गए तक किया था, लेकिन देखते हैं ये नारोवाल से कुछ बकरे की तस्वीर भेजी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। उम्मीद है डॉक्टर साहब आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये बकरा है और इसकी उम्र कमोबेश 8 माह होगी। 8 माह इसको डॉक्टर साहब पहले तो मोशन लगे हुए थे, मोशन का अब तो आराम आ गया है, लेकिन उसके बाद जो है ना इसके घुटने जो है ना वो सूज गए हैं। ठीक। और ये काफी वीक भी हो गया है। ठीक। और इतना वीक हो गया है कि इससे उठा नहीं जाता। आगे वाली जो टांगे है ना इससे बिल्कुल ही जो है ना जोर नहीं लगता। अच्छा। और जो इसके आगे वाले घुटने हैं ना वो ऐसे हैं कि जैसे नरम नरम होते हैं ना वैसे हो गए हैं। नरम। अच्छा। बराए करम इसका कोई हल बता दे। ठीक है डॉक्टर साहब इसको जब मोशन लगे हुए थे इसको मैंने ना 2 दिन डेरो बांध दिया था, लेकिन उससे आराम नहीं आया इसको। ठीक। लेकिन बाद में मैंने इनक्यूर और ऑक्सीएस लगाया 3-3 cc और उससे आराम आ गया इसको। हाँ, लेकिन इंद्रोफ्लेक्सेशन इसके में जो है ना नहीं घुटने था। वो सूज गए हैं। ओहो, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब इसके बाद मैंने इनक्यूर और ऑक्सीएस जो है ना लगातार 2 दिन हाँ, वो तो लगाया। ठीक है। डॉक्टर साहब इसके जो है ना आगे वाली टांगे हाँ, उसके घुटने जो है ना वो सूजे हुए हैं, वो वो ठीक है। नरम है और नरम पानी जिस तरह होता पीछे है। को मुड़े हुए हैं। ठीक थोड़ा जो उसकी टांगे जो है ना पीछे को मुड़ी हुई हैं। ठीक। और पहले तो डॉक्टर साहब 2 दिन पहले जो है ना बहुत हाँ ज्यादा थी हाँ मुड़ी हुई, ठीक। लेकिन अब जो है ना अब पहले से फर्क है, कम मुड़ी हुई है। अच्छा मैं इसको जो डॉक्टर साहब कैरासिल 3 cc लगा रहा हूँ, अच्छा लगा दो रहे दिन हो। हुए लगातार, वेरी गुड, और वेरी बोन फास्फेट दे रहा ठीक हूँ और खली ठीक पनोला वेरी इसको गुड, दे रहा हूँ, वेरी और गुड। इसके साथ गंदा भी थोड़ी सी दे रहा हूँ। ठीक। प्राय क्रम इसके जो टांगों के घुटनों का स्वेलिंग है ना, हाँ, घुटनों की स्वेलिंग इसका हल बता दे, मैं कर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी जान मेरी डॉक्टर जान। साहब माजरत अपने बारे में बताना भूल गया, मैं आमिर रजा नारोवाल से। इसको डिक्लोरान के इंजेक्शन लगाएं ये रात को मैंने बॉडी इसको वेट के बोला। हिसाब से, और लास्ट 6 के टीके लगाएं वो भी बॉडी वेट के हिसाब से, 4 दिन या 3 से 5 दिन तक लगाएं ठीक हो जाएगा। और जो कैरासिल के लगा रहे हैं ना, दैट्स एक्सीलेंट, वो उसको कंटिन्यू रखें। और कैरासिल के 3 cc लगा रहे हैं, देख लें बॉडी वेट के हिसाब से। मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा डोज इसकी बढ़ानी पड़ेगी। देख लें बॉडी वेट के हिसाब से, अगर 4 cc कर दें या 5 cc करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये अच्छा रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। और लास्ट 6 के भी आप देख लें बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। 2-4 cc वो भी लगेगा, 2 या 4 cc लगेगा। और ये कोई 3-4 दिन लगाएं, फिर मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला दुआ भी करूँगा, ठीक हो जाएगा, अल्लाह फजल करेगा। ठीक है मेरी जान, अल्लाह हाफिज़। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं एक हदीस मुबारक पर। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ, एक ज़ुबान और दूसरी शर्मगाह। ये मुत्तफ़िक़ अलैह दुआओं में याद रखें। फ़ी मान अल्लाह।